सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहली बार माना है कि पंजाबी गायक व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि लॉरेंस से पूछताछ के बाद पता चला है कि काफी लंबे समय से मूसेवाला की हत्या की योजना बनाई जा रही थी। लॉरेंस से पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्याकांड में शामिल रहे 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इसी कड़ी में जांच करते हुए मंगलवार से स्पेशल सेल की टीम महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद थी, लेकिन स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी हत्या का कारण बताने से इनकार कर दिया है। देखिए, जो मोटिव है वो आप के साथ हम पूरे डिटेल में शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वी विल बी शेयरिंग देम जो हमारे पास इंटरोगेशन है वो विद द पंजाब पुलिस, बिकॉज इट इज देयर मेन केस। हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम इनको एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लुकिंग आफ्टर नेशनल कैपिटल, एंड ऑलरेडी हमने इन गैंग्स पे बहुत काम किया हुआ है। आप पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ, तो हमारा एक ही मकसद है कि जल्दी से जल्दी इनको वी शुड ब्रिंग देम टू जस्टिस। दैट्स इट। बुधवार की देर शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पत्रकार वार्ता कर साफ कर दिया कि मूसेवाला की हत्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व कनाडा में बैठे उसके साथी सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार ने ही कराई है। इनके 8 शूटरों ने गत 29 मई को रेकी करने के बाद मूसेवाला की हत्या कर दी। हत्यारे 3 वाहनों में सवार थे। सिद्धू मूसेवाला के अपने घर से निकलते ही हत्यारों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। शूटरों को पता लग गया था कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम कर दी गई है, तभी उन्हें निशाना बनाया गया। स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त HGS धालीवाल ने बताया कि पंजाब में पहले हुई वारदातों को सुलझाने में कई बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली पुलिस लगातार संगठित अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। इसी के तहत पुलिस मूसेवाला हत्याकांड की जांच में जुटी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी तस्वीरें सामने लाने में भी स्पेशल सेल की अहम भूमिका रही। स्पेशल सेल दिल्ली की टीम ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अम्बरिया व युवा अकाली नेता विक्की मिडुखेड़ा आदि की सेम मोडस ऑपरेंडी से की गई हत्या में गिरफ्तार शूटरों से की गई पूछताछ और जांच रिपोर्ट के आधार पर मूसेवाला की हत्या में शामिल 8 शूटरों में से 5 शूटरों की पहचान स्पेशल सेल ने की है। उनके बारे में विस्तृत जानकारी पंजाब पुलिस से साझा कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के इनपुट पर दिनांक 7 जून को महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने महाकाल उर्फ सिद्धेश हिराम को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र पुलिस ने महाकाल को एक मामले में मकोका के तहत गिरफ्तार किया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए 13 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया। मुंबई पुलिस के बाद पंजाब पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। डेफिनेट इंसिडेंट है, लेकिन अभी क्योंकि उसकी आज ही 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है महाराष्ट्र पुलिस ने, तो अभी तो 13 दिन बाकी हैं, उसमें काफी चीजें निकल के आएंगी सामने। दिल्ली पुलिस का दावा है कि महाकाल मूसेवाला हत्याकांड में शामिल एक शूटर का बेहद करीबी है, लेकिन वो मूसेवाला की हत्या और शूटिंग में शामिल नहीं था। उनके साथ मिलकर सिद्धेश पंजाब हरियाणा आदि राज्यों में 25 से अधिक हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलने आदि संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। ऐसा मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि जो शूटर था वो इसका बड़ा क्लोज कोलैबोरेटर था। इन्होंने इकट्ठे वारदातें करी हैं, इकट्ठी हाइड आउट्स रही हैं, इकट्ठे मर्डर्स किए हैं, इकट्ठे फायरिंग करी। अब इससे ज्यादा आपको क्या बता सकते हैं। स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सिद्धेश हिराम कांबले पुणे का रहने वाला है। कई साल पहले इसने लॉरेंस गैंग ज्वाइन किया था। इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। माना जा रहा है कि महाकाल की गिरफ्तारी से मूसेवाला हत्याकांड में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार द्वारा लेने के बाद स्पेशल सेल को लॉरेंस पर शक गहरा गया था। इससे सेल ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस को 31 मई को पहले 5 दिन की रिमांड पर लेकर उससे कड़ी पूछताछ की। उसे कई राज्यों में ले जाकर जांच की गई। 5 जून को लॉरेंस को दोबारा 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। सेल का कहना है कि एक माह पहले भी सेल ने जब 2,00,000 के इनामी लॉरेंस के शूटर शाहरुख समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, तब पूछताछ में उसने बताया था कि गोल्डी व लॉरेंस ने उसे मूसेवाला की हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने 3 बदमाशों के साथ मूसेवाला के घर की रेकी भी की थी। उनकी सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी व सुरक्षाकर्मियों के पास AK-47 होने के कारण वारदात को अंजाम देने से पीछे हट गया था और लॉरेंस को पहले AK-47 उपलब्ध कराने को कहा था। कैसे उसने कोऑर्डिनेट किया ये आपको हम नहीं शेयर कर सकते। इस केस का बेसिकली जो आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि
ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग. कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर. अरेस्टेड होते तो आपसे जरूर शेयर करते. अरेस्टेड नहीं है, हमने आइडेंटिफाई किया है. एंड जैसे कि पंजाब पुलिस भी उनको बड़ा डेस्परेटली खोज रही है, इसी तरीके से हम भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. सेल का कहना है कि लॉरेंस पहले हत्या में उसके शूटरों के शामिल होने की बात से इनकार करता रहा. बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली, जिसके बाद सेल की चार टीम ने हत्या में शामिल शूटरों की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी की, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें सफलता मिली. लॉरेंस से अब गत दिनों मुंबई में अभिनेता सलमान खान व उनके पिता सलीम खान को दोबारा धमकी दिए जाने के मामले में भी पूछताछ की जा रही है. लॉरेंस 2018 में भी सलमान खान को काला हिरण को मारने के मामले में धमकी दे चुका है. सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क. कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत. सच दिखाते हैं हम. सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में. कहीं डर तो कहीं दर्द. कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या. कहीं साजिश तो कहीं रंजिश. हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश. देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया. राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में. विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी. बस लॉगिन करें www.vijaynews.in.